सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों, मूडी ब्राउन टोन फोटो एडिटिंग करना, वो भी सिर्फ लाइटरूम ऐप की सहायता से। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना, वो भी बहुत ही कम समय में, तो हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करें। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक ऐसे पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो हेलो गाइस, सिंपली आपको अपना लाइटरूम ऐप ओपन कर लेना होगा और दोस्तों अपनी फ़ोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग से जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो उसको लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये फ़ोटो ऐड कर ली है, तो आज इस फोटो की एडिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना और वीडियो को बिना स्किप करे हुए लास्ट तक देखना। तो जैसे आप फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, आपके इधर दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देन आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको प्यारे दोस्तों एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा, आपको लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको लाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेना होगा -26, इसके हाइलाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे +32, शैडोज़ की वैल्यू को कर लेंगे +28, और इसकी वाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे +30, और दोस्तों इसके ब्लैक्स की वैल्यू को कर लेंगे -44। और प्यारे दोस्तों, फिर लाइट के ऑप्शन को कर देंगे डन। और फिर सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको इसकी टेक्सचर की वैल्यू को कर लेना होगा -30, क्लियरिटी की वैल्यू को कर लेना होगा +34, और इसकी डीएच की वैल्यू को कर लेंगे +33। और फिर आपको विग्नेट का ऑप्शन दिखेगा, आपको विग्नेट के ऑप्शन को टच कर लेना होगा। और प्यारे दोस्तों, आपको इसके अमाउंट की वैल्यू को कर लेना होगा -100, और इसके मिड पॉइंट की वैल्यू को कर लेंगे +30, और इसकी फेदर की वैल्यू को कर देंगे बढ़ा करके +100, और इसकी हाइलाइट्स की वैल्यू को कर देंगे +43। और फिर आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन को भी कर लेना होगा डन। और फिर आपको दोस्तों इफेक्ट के नीचे आपको डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली डिटेल के ऑप्शन को टच कर लेना होगा। और फिर इसकी सेपरेटिंग के अमाउंट की वैल्यू को कर लेंगे +33, और इसकी मास्किंग की वैल्यू को कर लेंगे +14। और फेस को स्मूथ करने के लिए आपको नॉइज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा, आपको नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों +29, और इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेना होगा +23। और फिर कलर नॉइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको कलर नॉइज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर लेना होगा +31, और इसकी स्मूथनेस की वैल्यू को कर लेंगे +100। और फिर सिंपली आपको डिटेल के ऑप्शन को प्यारे दोस्तों भी कर देना होगा डन। और फिर आप लोगों को कलर टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली कलर टूल के ऑप्शन को क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको ऊपर दिख रहा होगा मिक्स टूल का ऑप्शन, आपको मिक्स टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फेस को गोरा करने के लिए आपको ऑरेंज टोन को सेलेक्ट कर लेना होगा, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर लेंगे -33, और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेंगे +47। ये देखिए दोस्तों, हमारा फेस है जो एकदम गोरा हो चुका है। और बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए आपको येलो टोन को सेलेक्ट कर लेना होगा। और प्यारे दोस्तों, इसकी ह्यू की वैल्यू को कर लेंगे -100, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर लेंगे -47, और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को दोस्तों कर देंगे -21। और फिर सिंपली आपको ग्रीन टोन को सेलेक्ट कर लेना होगा, और इसकी ह्यू की वैल्यू को कर लेंगे -100, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों, इसको कर देंगे -47। और आप लोगों को सिंपली इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेना होगा, इसको कर देंगे दोस्तों -100। और फिर सिंपली सियान टोन को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों -100। और फिर डार्क ब्लू टोन को सेलेक्ट करेंगे, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर लेंगे +82, और इसकी ह्यू की वैल्यू को कर लेंगे
-74 और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों -40, और फिर सिंपली आपको डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसको कर देना होगा डन। और फिर सिंपली आपको इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू को कर देना होगा बढ़ा करके +36, और इसकी टिंट की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों, बहुत हल्का सा बढ़ाएंगे इसको, कर देंगे दोस्तों माइनस, इसको कर देंगे दोस्तों +2, और इसकी टेम्परेचर की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों बढ़ा करके इसको कर देंगे +8। और फिर आप लोगों को सिंपली कलर टूल के ऑप्शन को भी कर देना होगा डन। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बिफोर फोटो कैसी थी और एडिट होकर आफ्टर कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो हमारी फ़ोटो एकदम दोस्तों परफेक्ट रूप से एडिट हो चुकी है। तो इसको गैलरी के अंदर सेव करने के लिए आपको ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसको टच कर लेना होगा, और इस पर क्लिक करते ही आपको सेव कॉपी टू डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा, और इस पर क्लिक करते ही आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।